मॉनसून की विदाई के बाद बहुत ही गुलाबी सी ठंडक की शुरुआत हो चुकी है। ये शुरुआत बहुत सारे लोगों को सुकून देती है क्योंकि कहीं ना कहीं देर तक सोना और बहुत टेस्टी खाने को मिलता है। और इसी खूबसूरती के साथ साथ बहुत सारी ऐसी समस्याएं भी होती हैं जो हमें इस सर्दी में फेस करनी पड़ती है। स्पेशली होती हैं प्रॉब्लम्स हमारी स्किन से जुड़ी हुई। क्या होती हैं समस्याएं स्किन से जुड़ी हुई और किन्हें इन्हें किस तरह से अवॉइड किया जा सकता है, बस यही है आज के इस वीडियो के अंदर। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और साथ के साथ बेल आइकन दबा दीजिएगा जिससे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं डॉक्टर मनोज, एक अरोमा थेरापिस्ट, एक नेचुरल थेरापिस्ट। दोस्तों, इस चैनल पर हम लोग बात करते हैं स्किन केयर, हेयर केयर, हेल्थ केयर, पर्सनालिटी डेवलपमेंट और हीलिंग के बारे में। और इसी तरह के वीडियोस जो अपलोड किए जाते हैं, आपका प्यार उन वीडियोस को मिल रहा है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, सर्दियां हर एक को भाती हैं, मतलब ज्यादातर लोगों को भाती हैं, क्योंकि इस सर्दी के अंदर कहीं ना कहीं जो मौसम होता है वो बॉडी को बहुत ज्यादा सुकून देता है, लेकिन साथ के साथ हमारी स्किन के लिए थोड़ा सा डैमेजिंग हो जाता है। सर्दियों के अंदर हमारी स्किन हो जाती है बहुत ज्यादा ड्राई, डैमेज, रफ, फ्रीजी और साथ के साथ में थोड़ी सी फ्लैकी भी। फ्लैकी मतलब स्किन से पपड़ियों का निकलना, स्किन पर प्री मेच्योर एजिंग दिखाई देना, स्किन पर समय से पहले रिंकल्स दिखाई देना, ये सर्दियों में होने वाली एक आम समस्या है। अब क्या वो गलतियां हम करते हैं जिनकी वजह से हमें इन प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है, उन 5 गलतियों के बारे में हम बात करेंगे और उन्हें कैसे अवॉइड कर सकते हैं इसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। लेकिन उससे पहले मैं एक बात बता दूं कि ये जो विंटर केयर सीरीज है, ये बहुत सारे एपिसोड्स में आपके पास आएगा। आपकी डाइट कैसी होनी चाहिए, आपकी स्किन केयर कैसी होनी चाहिए, आपकी हेयर केयर कैसी होनी चाहिए, तो कोई भी वीडियो मिस ना हो इसके लिए रेगुलर चैनल के साथ बने रहे। So, दोस्तों, सबसे पहली जो गलती हम लोग करते हैं सर्दियों में वो ये करते हैं कि अपने चेहरे को हम बहुत ज्यादा गर्म पानी से धोते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ठंडा पानी हमें कंफर्टेबल नहीं लगता और उसकी वजह से हम बहुत ज्यादा हीटेड पानी का इस्तेमाल कर लेते हैं, जिसकी वजह से हमारी स्किन ड्राई होने लगती है और फ्लेक्स आने लगते हैं। और सबसे बड़ी बात, आपकी स्किन का जो नेचुरल मॉइस्चर होता है, जिसको हम NMF बोलते हैं, नेचुरल मॉइस्चराइजिंग फैक्टर, वो डिस्टर्ब होने लगता है। और उसके एक बार डिस्टर्ब होने की वजह से आप बाहर से कितना भी मॉइस्चराइजर लगा लो, आप बाहर से कितना भी हाइड्रेशन दे दो, वो आपकी स्किन के लिए काम करने वाला नहीं है। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि आपको अपने चेहरे को धोने के लिए गर्म पानी का इस्तेमाल नहीं करना है। आप ल्यूकवॉर्म वाटर या गुनगुने पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे कंफर्टेबल भी आप रहें, साथ के साथ स्किन को भी किसी तरह का डैमेज ना हो। अगर आप फिर भी कंफर्टेबल ना हो तो थोड़े से वेट वाइप्स रखें अपने साथ में, वेट वाइप्स का इस्तेमाल करें। नंबर 2 जो मिस्टेक दोस्तों हम लोग करते हैं सर्दियों के सीजन में, वो करते हैं अपनी स्किन के ऊपर ड्राइनेस को खत्म करने के लिए तेल लगा लेते हैं। दोस्तों, आपको पता होना चाहिए जो तेल है उसका मॉलिक्यूलर साइज हमारी स्किन के पोर्स के मॉलिक्यूलर साइज से बहुत बड़ा होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, हमारी जो स्किन के पोर्स होते हैं वो ब्लॉक हो जाते हैं। और जैसे ही आपकी स्किन के पोर्स ब्लॉक होते हैं, वैसे ही आपकी स्किन के अंदर ब्लैक हेड्स, व्हाइट हेड्स, एक्ने आने की प्रॉब्लम्स बढ़ जाती हैं। आपको लग रहा होता है कि यार ये सर्दी की वजह से प्रॉब्लम हो रहा है, नहीं, लेकिन वो जो आपने बहुत हैवी ऑयल लगाया है अपने फेस पर, मैंने देखा बहुत सारे लोग तो सरसों का तेल, मूंगफली का तेल, नारियल का तेल, ऑलिव ऑयल, पता नहीं क्या क्या लगा लेते हैं। तो ध्यान रखें कि आपको कभी भी बहुत ज्यादा ऑयल नहीं लगाना है, इवन लगाना ही नहीं है आपको ऑयल फेस पर, मतलब लगा रहे हैं आप मसाज करने के लिए, देन इट्स ओके। और मैंने आपको उसके लिए एक वीडियो भी दिया है, वीजम ऑयल के बारे में हमने बात की थी उसमें। लेकिन अगर आप उसको लगा करके छोड़ देते हैं तो डेफिनेटली वो डेंजरस है आपकी स्किन के लिए, क्योंकि उसकी वजह से आपकी स्किन ब्रीथ नहीं कर पाती है। नंबर 3 जो मिस्टेक करते हैं दोस्तों, वो करते हैं चीप मॉइस्चराइजर्स का इस्तेमाल। बहुत बार हम ऐसे मॉइस्चराइजर्स अपनी बॉडी पर, अपनी स्किन पर लगा लेते हैं जिनके अंदर बहुत सारा पैराबन होता है। अब पैराबन क्या होता है? पैराबन बेसिकली एक वैक्सी मटेरियल होता है, एक वैक्स की तरह मटेरियल होता है, जो थोड़ा सा आपकी स्किन को डिस्टर्ब कर सकता है, आपकी स्किन के ऊपर ड्राइनेस कम कर देगा टेम्पररी, लेकिन लॉन्ग टर्म में अगर हम देखें तो आपके पोर्स को ब्लॉक करके बल्कि वो आपकी ड्राइनेस को बढ़ा देता है। और यही
आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप मॉइस्चराइजर खरीदें तो आपको पैराबेन फ्री मॉइस्चराइजर खरीदना है। पैराबेन फ्री मॉइस्चराइजर क्या करेगा, आपकी स्किन के अंदर जाकर के नमी को लंबे समय तक मेंटेन करता है और साथ के साथ में आपकी जो स्किन है उसको कोई भी डेंजरस पॉइंट पर नहीं ले जाता, कोई भी डैमेज पॉइंट पर नहीं ले जाता। मैं आने वाले वीडियोस के अंदर बात करूंगा विंटर्स के लिए पैराबेन फ्री नॉन अल्कोहलिक कौन से मॉइस्चराइजर्स हैं, उसके लिए एक स्पेशल वीडियो मैं आपको उसके ऊपर करके दूंगा। नंबर फोर जो मिस्टेक आती है दोस्तों, वो आती है डाइट। हम ऐसी डाइट फॉलो करने लग जाते हैं जो बहुत ज्यादा न्यूट्रिशियस तो है लेकिन साथ के साथ में बहुत ज्यादा फैटी भी है। अब फैटी जब आप डाइट लोगे, जैसे गाजर का हलवा आप खा रहे हैं, मूंग का हलवा, दाल का हलवा आप खा रहे हैं, या बहुत सारी पकौड़ियां आप तल रहे हैं, मूंग के दाल के पकौड़े बहुत खाए जाते हैं सर्दियों में, तो इन सब की वजह से आपकी स्किन के ऊपर रिएक्शन आते हैं। आपकी स्किन के ऊपर रिएक्शन क्यों आते हैं, क्योंकि आपकी स्किन के अंदर ऑयल जो है वो सीबम में कन्वर्ट होने लगता है, मतलब आपकी जो स्किन है उसके अंदर गंदा ऑयल बढ़ने लगता है, और जब ये गंदा ऑयल बढ़ने लगेगा तो डेफिनेटली आपकी स्किन के ऊपर बहुत सारे एक्ने, ब्लैकहेड्स, व्हाइटहेड्स आने लगेंगे, तो आपको उन्हें भी अवॉइड करना है। अब उसकी जगह पर क्या खाना है, लाइट आप फूड खा सकते हैं जिससे न्यूट्रिशंस भी आपको मिले लेकिन फैटी फूड ना हो बहुत ज्यादा, राइट। नंबर फाइव जो एक मिस्टेक दोस्तों हम लोग करते हैं, बहुत ज्यादा स्क्रबिंग करते हैं। तो सर्दियों के दिनों में अगर आप गर्मियों में नॉर्मली वन इन अ वीक स्क्रबिंग करते हैं और आपकी स्किन कंफर्टेबल रहती है तो सर्दियों में आपको उसको 15 डेज में एक बार कर देना चाहिए, क्योंकि अगर आप उसे 15 डेज में एक बार नहीं करोगे तो ऑलरेडी ड्राइनेस है बिकॉज ठंडी हवाएं चल रही होती हैं, फिर आप स्क्रबिंग करोगे वंस इन अ वीक तो उसकी वजह से आपकी स्किन में ड्राइनेस और बढ़ जाएगी और ये ड्राइनेस आपकी स्किन को प्री मेच्योर एजिंग की तरफ ले जाएगी, फिर आपका जो नेचुरल मॉइस्चराइजिंग फैक्टर है, आपकी स्किन का जो हाइड्रेशन लेवल है वो पूरा डिस्टर्ब हो जाता है और फिर आप अपनी छोटी एज में भी ज्यादा एज के दिखाई देने लगते हैं। तो याद रखना है आपको कि आपको ये पांचों मिस्टेक्स नहीं करनी है, ये पांचों मिस्टेक्स आपको अवॉइड करनी है जिससे आप अपनी स्किन को खूबसूरत बना सकें। दोस्तों आने वाले वीडियोज जो है वो सीरीज की इसी तरह के होंगे जिससे आप विंटर्स में अपनी स्किन का, अपनी बॉडी का, अपनी हेल्थ का अच्छे से ध्यान रख सकें। सो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपके काम कर रहा होगा, अगर काम करे तो एक थम्स अप का बटन जरूर दबा दीजिएगा जिससे हमें मोटिवेशन मिलती है आप लोगों के लिए ज्यादा से ज्यादा बेहतर वीडियोज लाने के लिए। शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को दिखाइए, अपने रिलेटिव्स को दिखाइए, इस चैनल के साथ ज्यादा से ज्यादा लोगों को जुड़ने के लिए मोटिवेट कीजिए, क्योंकि यहाँ हम साइंटिफिक बात करते हैं और बात करते हैं नेचुरल रेमेडीज की, मतलब जिनकी वजह से लोगों को इफेक्ट्स शायद कम हो लेकिन या लेट हो लेकिन साइड इफेक्ट्स बिल्कुल नहीं होते जिससे लोग आजकल बहुत ज्यादा परेशान हैं। सो दोस्तों आपका प्यार इस चैनल को इसी तरह से मिलता रहेगा, इसी आशा के साथ आपसे अलविदा लेता आपका नॉलेज फ्रेंड डॉक्टर मनोज। थैंक यू सो मच, बाय बाय, लव यू ऑल।